मैं प्रदीप राज हूँ, इंटरनेशनल पैरा एथलीट और डिसेबिलिटी राइट्स के लिए मैं काम करता हूँ। अभी हम लास्ट संडे प्रो रेसलिंग का फाइनल देखने गए थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। हमारे पास वीआईपी पास था, वीआईपी कार स्टिकर था, लेकिन उसके बावजूद वीआईपी कार पार्किंग में हमारी कार को नहीं जाने दिया। फिर हमने बहुत मशक्कत के बाद स्टेडियम से काफ़ी दूर कार को पार्क करके हम स्टेडियम पहुंचे, तो उन्होंने हमें एंटर नहीं करने दिया। कह रहे हैं सीट्स फुल हैं अंदर और अंदर से हमें परमिशन नहीं है। तो काफ़ी हम मतलब बातचीत करने के बाद दिल्ली पुलिस से उन्होंने फिर हमें एंटर किया। लेकिन सबसे बड़ा जो सरप्राइज हुआ हमें सब अंदर जाके हुआ, जहाँ एरिना था, जहाँ पे मैच हो रहा था, वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के किसी जो पर्सन था गेट पे, उन्होंने कहा हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, अंदर आपके लिए बहुत रिस्क है, आपके लिए कोई सीट ऐसी नहीं है व्हीलचेयर के लिए, और आपको घर चले जाना चाहिए और टीवी पे देखना चाहिए, आप क्यों आ गए यहाँ पर। तो एक तरफ तो संडे को आपने देखा होगा कि मोदी जी ने मन की बात में बहुत बड़ा भाषण दिया विकलांगता को लेके, एक नया शब्द दिया विकलांगों को, लेकिन एक्सेसिबिलिटी की बात की, एक्सेसिबल इन्वायरमेंट की बात की, उनके राइट्स की बात की, और दूसरी तरफ ये सब चीज़ें होती हैं। हम भी इंटरनेशनल एथलीट हैं, जिस तरह वहाँ पर इंटरनेशनल एथलीट्स परफॉर्म कर रहे थे प्रो रेसलिंग में, उनको और हम में जमीन आसमान का फर्क है। हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों देश के लिए खेलते हैं फिर, अगर हमें राइट्स नहीं मिल सकते, हमें हमारी इज्जत नहीं मिल सकती, तो फिर मुझे नहीं लगता मोदी जी चाहे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च करें या डिसेबिलिटी को कोई नया नाम दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। एक्चुअली काफी दिन से सुनते आ रहे थे कि प्रो रेसलिंग हो रहा है, और फिर लास्ट डे हमने कोशिश करी कि हमें पासेस मिल जाए, और हमें वीआईपी पासेस भी मिल गए। उसके बाद हम बड़े तैयार होके गए देखने के लिए, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहली जो हमारी दिक्कत आई वो आई पार्किंग की। हम पार्किंग के लिए गए, हमारा पास पे गेट नंबर 17 कुछ लिखा, 17 लिखा था, तो उन्होंने कहा 17 नहीं 19 पे जाना है। फिर हम 19 पे गए, 19 से कह रहे कि 12 पे जाना है, 12 से गए। ऐसे करते करते पूरा एक घंटा तो उन्होंने पार्किंग के लिए घुमा दिया हमें। उसके बाद भी उन्होंने पार्किंग नहीं करने दी। हम उनसे काफी तरह लड़े भी कि डिसेबल पार्किंग होती है, हर जगह होती है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। उसके बाद किसी तरह हमने गाड़ी दूसरे स्टेडियम में पार्क करके कैसे तैसे आए भी हम 19 गेट तक। तो उसके बाद पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि नहीं, अब एंट्री क्लोज हो गई है। तो हमें और भी बुरा लगा, मैंने कहा ये क्या बात हुई, अभी तो एक घंटा तो इन्होंने पार्किंग के लिए घुमा। उसके बाद कैसे तैसे हमने कहा कि हमारे पास वीआईपी पासेस है, प्लीज जाने दीजिए। तो उनमें से किसी एक ने बोला कि चलो जाने दीजिए, तो फिर हम किसी तरह अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद सबसे शॉकिंग बात ये थी कि मेन जो रेसलिंग का जो स्टेडियम था अंदर, वहां पे एक दरवाजे थे सब में 19-18 वगैरह वगैरह, तो उसमें एक सिक्योरिटी मतलब उन्हीं के ऑर्गेनाइजर का कोई सिक्योरिटी, वो कहता है आप क्यों आ गए। हमें सुन के बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ये क्या होता है कि आप क्यों आ गए। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते, कह रहे आपको चोट लग जाएगी, कोई आ गया, कोई गिर गया, कुछ हो गया, आप लोगों को देखना नहीं चाहिए। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा हम लोग डिसेबल, इसका मतलब क्या हमारा कोई हक नहीं बनता मैचेस देखने का या कुछ देखने का। फिर कह रहे मैंने कहा मुझे एक्सेसिबल सीट चाहिए, कह रहे हैं आप अभी स्टेडियम में फुल है। मैंने कहा स्टेडियम फुल है ये मुझे पता है, मैंने कहा मुझे एक्सेसिबल सीट चाहिए, कह रहे नहीं हमें नहीं पता कि एक्सेसिबल सीट क्या होती है। मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा आप ऑर्गेनाइजर है ना, कह रहे हाँ हम ऑर्गेनाइजर है। मैंने कहा फिर आपको ये नहीं पता कि कोई अगर डिसेबल्ड आता है तो उसके लिए एक्सेसिबल पार्किंग होनी चाहिए, एक्सेसिबल सीट होनी चाहिए। तो उसके बाद वो कहने लगे कि हम आपको उठा के बिठा सकते हैं। मैंने कहा वो मैं करना नहीं चाहती, ना ही मैं उठाना चाहती हूँ खुद को।